रोहिणी चलेगा? कैश नहीं है तो रस्ते में डलवा लियो ना। 600 रुपए लगेगा। ₹300 में कैब चले जा रही है रोहिणी, तेरे को 600 रुपए चाहिए? कैब से चले जा भाई। इसको नहीं ले जाना तो मना कर देना, ये फालतू की डिमांड क्या कर रहा है तू? रोहिणी चलोगे? बैठी मेरा। कितने पैसे? 250 रुपए। ओ भाई मेरे से तो 600 रुपए मांगे तूने, तो इनसे तो 250 रुपए मांगे तूने। लड़की देख के रेट बदल लिया तूने। पैसे कम नहीं किए रोहिणी के, 250 ही लगते। मेरे को तो 600 रुपए बोले ना, पर मैडम अभी मैंने इससे पूछा था तो इसने मेरे को क्या नाम है 600 रुपए बताए, आपको 250 रुपए बताए। भैया पर 600 रुपए तो नहीं बनते रोहिणी तक जाने के, अपने 600 रुपए मांगे इनसे। हाँ जी मैडम, इसके 600 ही लगेंगे। अरे कैब में बैठ के जाऊंगा, एसी लगा होता उसमें तो कर लेना कैब, सुना क्या रहा है बार बार। जाऊंगा तो मैं फिर। अरे ठरकी, औरत को सस्ते में और आदमी को महंगे में क्यों लेके जा रहा है तू? आदमी को देखने बात आऊंगा ना शीशा टेढ़ा करके, औरतों को देखता होगा इसलिए सस्ते में लेके जाता है तू। तूने मेरे को ऑटो ले जाने के लिए क्या बोला था? क्या बोला था? याद कर। ये बोला होगा कि रोहिणी चलेगा ना। फिर तूने बोला था ओए रोहिणी चलेगा, मैडम जी ने बोला था भैया जी रोहिणी चलोगे, तो बोला तो रोहिणी चलने के लिए। तो रोहिणी तेरे को भाई ये ओए है ना, उसे जाके बोलियो जो तेरी गुलामी करता हो, अपनी मेहनत की कमाई का ऑटो खरीदा है, मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से अपना घर चलाते हैं, किसी का ओए सुनने नहीं बैठा यहाँ पे मैं। इज्जत से काम करता हूँ और जो इज्जत करता है उसके लिए काम करता हूँ, ना किसी से ऐसा काम करवाता और ना खुद करता हूँ। जा जाके दूसरा ऑटो ढूंढ लो।